अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियो की सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्विन स्टूडियोज में। आज हम एक स्पेशल दाल बनाने जा रहे हैं जो कि है नींबू वाली उड़द धुली दाल। ये बहुत अलग तरह की सूखी दाल है, इसको आप जरूर ट्राई करें। अगर ये मेरी आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। ये हमने 250 ग्राम उड़द की दाल एक घंटा पहले धो के रखी है। दो हमने बड़े प्याज चॉप कर लिए हैं, थोड़ा सा अदरक चॉप कर लिया है, दो बड़े टमाटर की पेस्ट बना ली है, दो तीन हरी मिर्ची ली है, थोड़ी सी हमने कस्तूरी मेथी ली है, धनिया चॉप कर लिया है, नमक, हल्दी, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, एक नींबू ली है। ये सबसे पहले हमने एक पैन में दाल डाल देनी है जो हमने भिगो के रखी हुई है। इसमें हम पानी डाल देंगे एक गिलास, पानी हमें कम लग रहा है आधा गिलास और डाल देंगे क्योंकि हमने ये दाल सूखी बनानी है। साथ में नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, इसको हिला के इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के और सिम आँच पे रखेंगे। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे, इसके बाद जीरा डाल देंगे, इसको हम भूनेंगे, थोड़ी सी हम हींग ऐड कर रहे हैं, प्याज डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, इसको हम भूनेंगे, ब्राउन होने पर हम भूनते रहेंगे, ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, अभी हम थोड़ा और ब्राउन करेंगे। अब आप देखेंगे ये ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसको हम भून लेंगे। ये हमारा मसाला भून गया, ये 10 मिनट के बाद हम खोलें ढक्कन। अब इसमें थोड़ा पानी रह गया, अब इसको हम खुला छोड़ेंगे जिससे कि पानी सूख जाए। इसको चेक कर लेंगे कि हमारी दाल गली है कि नहीं गली। ये हमारी दाल गल गई हुई है, इसको खुला छोड़ दें। ये पानी हमारा अब दाल में सूख गया 5 मिनट के बाद। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे, अब इसको हम मिक्स कर देंगे हल्का हल्का। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे एक चम्मच, हरी मिर्ची डाल देंगे, काली मिर्ची डाल देंगे और एक हम नींबू डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नींबू से, इसका कलर भी बहुत सुंदर आया, फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, हमारी दाल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं।